अब आपको सीधा लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां से प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। और उनकी फितरत की तनख्वाह ऐसे ही होगी। अब गांधी से 4 साल के बाद अपनाया बताओ, और गांधी हत्या की वो भी उनकी विचारधारा मिलने वाले व्यक्ति थे, दुनिया जानती है, और अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए अपना भी मुझे कोई बात। आज इस मुद्दे में मुझे पर कमल भांगे जी को, पहले मोदी जी को और अमित शाह जी, बाकी कहीं के लोग बाकी लोग चाहते हैं, उनको मैं इनकी गहराई से कहना चाहूंगा, कृपा करके अगर आपने अपना दिया है और देश से माफी मांगा, उन्हें मांगा पड़े कि मैं अपना छोड़ दूंगी बात को छोड़ देंगे, कम से कम अब जो है आपके दिल के अंदर एक भाव आने चाहिए सत्य के, अहिंसा के, निष्पक्षता के। ठीक है, सपन लेते हो, हम विधायक बन के हैं, मंत्री बन के हैं, एमपी बन के हैं, एमपी या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के गवर्नर बन के हैं, गवर्नर साहब तो फिर भी वो अभी कह रहा था आजकल गवर्नर का नाम भी लेते हैं, क्योंकि गवर्नर साहब गंभीर राजनीति पारी चल चुके हैं, पहले उनका मुख्यमंत्री बन ही बैठे रहा था बाकी से बन, पर कम से कम नाम तो लेते हैं पंडित नेहरू जी को एक्टिव थी देश की प्रथम प्रधानमंत्री, अगर ये शेष ठीक नहीं होती आधार में ढांचा मजबूती होता देश का, आप हम भी इन लोगों के साथ देशों में डिफेंड लेते थे, उससे आप अमेरिका पे केरल पे और लाजन नंबर तीन है, इनकी फोन में उमर वाले ने पोर्टल का विस्फोट कर दिया परमाणु देश बना दिया, दो टुकड़े हो गए पाकिस्तान, कई क्रांति हो गई, पहले हम कहीं भी भीख मांगते थे कि चार पैसे लग गए अमेरिका, तो लंबी लंबी बातें हैं। ये मैं कहना चाहूंगा कि इनको चाहिए कि मन से दूर से ये गांधी के वास्ते अपना रहे, इतने आदि समस्याएं जो पैदा हुई है राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर, लाइफ वाल के नाम पर, ये तमाम समस्याएं क्षति खत्म हो जाए, अगर आप दूसरे गांधी का अपना ले गए ताकि भाव रहे हैं, बाकी बातें जो कही गई है मेरे प्रवक्ताओं ने बहुत अधिकारी हिंदू किसान जी ने भी, मजदूर जी ने भी, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, समर्पित है हमारी सरकार पूरी तरह जन कल्याणकारी कार्यों में समर्पित है, हमारा अपना पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं समर्पित करेंगे, लेकिन उनको विश्वास रहता है और उसी ढंग से काम करना चाहते हैं, और ये जो इसलिए पंजाब अनुवाद है चाहिए इस दिल्ली का मीडिया नहीं, ये इनका जरा नहीं, और इसी में जो भी मीडिया में कहते हैं जैसे हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि मजबूरी वो पहले खिलाफ लिखना मुख्यमंत्री वाले ने कहानी बनाना, क्योंकि उनकी अगर आत्मा नहीं भी लिखने की कभी मोदी मोदी उनकी टीम को जवाब देना पड़े, मोदी की टीम को दिया जाना पड़ता है, जो इनके मालिकों को इनको स्टेज लिखनी पड़े, राज्य सपना हत्या है और पंजाब के बाद में राजस्थान की बारी है, पंजाब के बारे में छत्तीसगढ़ की बारी है, राज्य सपना है, मोदी भी पूछे, इनकम टैक्स ये भी पूछी चीजें भी था, और मालिक लोग सिरे से एक अधिकरण करेंगे अपने तो मत कहेंगे भाई जो ध्यान में देखा कर ऐसे शक्ति पूरे देश में भेजा कर बहुत खराब नीचे आ रहा रही है, इनको मालूम पड़ गया इसलिए इनकी स्टेट बनो गई है, पूरा मंत्री मिल रहा है गुजरात के मेरा चेहरा इत्यादि सुना अपनी दुनिया के मिल रही कभी इनके हम बातें चलती गई, तो हमें अपना काम करना, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं,
मीडिया वाले लोग तो ना कहीं जमा नहीं सुन नहीं सकते थे, ये बात तो बोल रही है। ये जिनको देखो ना, इनको हमारे प्रोग्राम में देखते हो इतना मतलब है नहीं, हम अपने मार्ग में हैं। भगवान है आदमी, भगवान है इतने मत रहे बाकी मेरे मुख्यमंत्री यार क्या बोलता है, नंबर से बाद में कैसे दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, छोटे से लोग तंग कर रहे हैं। सचिव वाले में जानी मूर्ति बहुत कृषि ही अंदर करे यार, कुछ कहो कुछ कहो। मैं अभी जब ये प्रोग्राम शुरू रहेगा तो मैं अभी जब रिव्यू करेंगे तब मैं आपको अलग से बुलाऊंगा। अब निश्चिंत है इस वक्त आप और चाहे स्थान से पोस्टमार्टम करने मिला वो भी करें, इसकी तबीयत की राजनीति आप निश्चित तो इसलिए आप निश्चित सरकार पूरे 5 साल चलाएंगे और मैंने बड़ा बड़ा सोच लिया था 5 साल भी चलेगी एक दो बार सरकार फिर बनेगी ये निकलेगा और जारी राजनीति में मन में वापस इसी मंत्रालय का मंत्री बनूंगा वापस। तो फिर मन देख लेंगे पहला बड़ा सोचा था मेडिकली में एक बार आप पर सरकार बने एम कोर्ट देने चौथी बार, 3 बार तो रहे उनके पास में चौथी बार कोर्ट देने उनके पास है। आप सोच सकते हो जिसके दिमाग में ये हो तो पब्लिक इस बात को भी चुकी है, एक दो बार बार सजा देने वाले जो है इन बार जो हम लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं अभी तक अभी तक कोई इंटेंशन नहीं नहीं पैदा हुए जैसा वोट कर रहे हैं। हम लोग पारी साहब जी आइडिया की बात कर रहे थे परंतु बाकी लोग कहते हैं ऐसा माहौल है अब क्या है वो तो मेरे जब पता चलेगा सुना है तब तो पता में क्योंकि हम तो 2 बार 56 पे आ गए 1 बार 21 पे आ गए काम में कमी नहीं रखी थी कोई मोदी जी का आवाजन हुई कभी कर्मचारी सुना आ गई तो पता नहीं आगे क्या हो और मैं विश्वास है मेरे इस बार पब्लिक का मूड जो है क्योंकि जो हम आह्वान करते हैं पब्लिक साथ देती है और मैं जो मुझे तो कोरोना हुआ फिर मैं तो कहना चाहूंगा कोरोना के बाद में जो बीमारी हो किसी को तो आप समझ गए कि वो बीमारी या तो पहले चीज को उधर में अंदर बढ़ गई या फिर उसको कोरोना काम में जो बीमारी हो गई चाहे किडनी की हो चाहे शुगर की हो चाहे मेरे मिले होगा उन्होंने कोई प्रॉब्लम थी ना कभी कि आज दिन में हम ब्लॉकेज की तमाम और गांव में जो मर में बेचारे क्या मैं सोचते हैं पहले कोरोना में बढ़ गया तो आज ही बेचारा चला गया हाथ में से अरे आज ही बेचारा चला गया कोरोना गांव के पहले जान में था जो चेकअप नहीं करा और वो कोरोना के गांव के पहले को हम उनको शिक्षित करना चाह रहा हूँ लेकिन आप जो प्रॉब्लम आए शुरू वर्षों के बाद जाओ अब मेरा इलाज कर रहा हूं मुझे हो गया अचानक जी मैं तो गया ना तो हमारे जमाने के लिए प्रवेश करेगी पानी बड़ा अचानक नहीं था जो तो बैठे थे अब अपना मन दिन में अचानक में पूरा प्रशिक्षित हो गया और ये जो गुण काम है मेरे ये पूरे प्रदेशवासियों के द्वारा काम नहीं है जिस रूप में वो प्रोसेस हुआ है और बहुत संबंधित जो मॉनिटरिंग कर रहे थे तो एडमा शुरू करेंगे वहां क्या करते हैं वो बैठ के जहां वो डरता है वीडियो उसकी कमांड में क्षमा कर दी थी तो ये मालूम है कि क्या जो उसने अंदर किया होगा उसे और को मालूम तो जो स्थिति है उन स्थिति में अपन ले चले हैं तो मुझे अब कुछ होने वाला नहीं है पन्ना साहब तो 20 साल में कुछ नहीं होना था और दुखी होना हो तो हो दुखी मेरे बस की बात नहीं है मेरे कुछ नहीं होगा कैसे ऑफिस वाले बोलते रहते हैं घर में बैठ गए घर में बैठ गए अरे मैंने दिलास में कटा के दूसरा ज्यादा मिल गई हूँ ये दूसरी जगह होगी ऐसे भी जारी हमारी है ठीक है मुकदमा तो हम ही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इश्यू बन जाएगा आपको भी खतरा है और आप जा रहे हैं लोगों को भी खतरा है
उनके जो पीएम उनके सहवास के बाद में भी इन्होंने मना करने के बाद में वहां पर गए। तो मैं कहना चाहूंगा, मैं तो सबको विदेश में भी कहता रहा, मैं ध्यान रखो, ध्यान रखो, सब मिलकर धर्म गुरु एनजीओ एक्टिविस्ट किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए किसानों के लिए हमने बजट आए थे, हमने कहा कि हमारे बिजली कम में अलग बन गई है, अरे बड़ी पेश करेंगे, और हमारी कहते हैं तमिलनाडु में अलग बहुत पेश कर दिया है। तो ये बातें अटल जी कर चुके हैं और कैश भी कम है, ये तीन लंबे हो गए, ज्यादा हो गए, और पैर गर्मी गरीब है, गर्मी हो खत्म हो जाती है। आप अंदर आके आराम से बैठ के गपशप करते हो और नाश्ता दीजिए, ठीक है, कभी भी अंदर जाके डॉक्टरी सलाह पूरी करके वापस आऊंगा, आपसे मिलूंगा, और तो अभी प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। बातें टाइम नहीं बताऊं, मैं बात करूंगा तो बताऊंगा, क्योंकि हमें सब आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट का है, तो मेडिकल कॉलेज बनती हो चाहे कृषि इंश्योरेंस हो चाहे अकेली योजना हो, आप उसमें इन्होंने कैप लगा रखा है प्रीमियम का ही, प्रीमियम के लिए से प्रीमियम ज्यादा आता है वही हमें देना पड़ता है, उनकी कैप बनेगी, एक छोटी बातें बोलनी पड़ती है, गोदी हो गया है वो तो लगातार वही बातें मुझे तो बताएगा जो उनको पसंद आ रही है, जबकि आप रिसर्च करें तो आपको पीछे दूसरी आ रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग सब रहो, इसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और लोगों को भी केंद्र सेठ से दोनों अभियान में शानदार तेजी चलेंगे, कामयाब होंगे, और ये सबका जब लाभान्वित होंगे, पेंशन हो चाहे और कोई योजना हो, नौकरी करता हूँ, पहले 12-13 को ही हमने बहुत शानदार अभियान चलाया था, अभी अभियान भी बहुत शानदार चलेगा। ये बात करता हूँ, अपनी बात बात करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे केजरीवाल मीना तो आज पहले उनका नेता भी नहीं थी, नेता भी केंद्रीय सेना के नाम लंबा का भाव लिया जाता है, आनंद कुमार जी अपने स्वाधीनता के साथ में अपनी बातें कह दी हुई हैं, गौरव गौरव ने अच्छा काम किया है, हमारा गांधी स्कूल के बंदा गया में दफा बैठे हैं, पादला जी बैठे रहे हैं, तमाम टीम बैठी हुई है गांधीवादियों की, और ये शानदार बंदा है यहाँ पर हिंदुस्तान के लिए, ये काम शुरू हो जाएगा, और मैं समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक काम है गांधी जी के नाम से हो रहे हैं, तो इसी बंदा है कैसे समझ गया पैदा इसी से अपना सोलूशन की तरह उनसे बातचीत भी चल रही है, वो भी इसी बनने वाले पर, और गांधी जी के एक आश्रम भी था, मिली भी दिया, संस्था मिल गई है, उनका भी सुनाने खड़ा है, इतिहास बनेगा, और आप चंदा लगा लीजिए, मैंने बजट भी बोलना की 100 करोड़ की, अगर इन छात्र जो है बात मान ली है, कुमार किसान जो ऑल इंडिया गांधी जी संघ के अध्यक्ष हैं, इन सब ने कहा था कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन पा 10-15 करोड़ 20 करोड़ तक प्रोजेक्ट, तो एक ही सलाह मैं लूंगी, हम चाहेंगे कि उसी रूप में हम काम करें, इसी गवर्नमेंट जो डिमांड दे रही थी सेल्स वेयर संघ की, उसका फैसला भी किया गया है, बोनस तो होगा कि जो प्रार्थी हुए 95 रुपये थे उन्होंने लगाई बोनस तो उसकी जमीन में नहीं मिली होती थी गवर्नमेंट, उन तमाम फैसले जाने की चीजें आने वाले वक्त में राजस्थान में वही पहले जो था आजादी के वक्त नहीं, उसी दल का माहौल बना रहे तो मिलकर प्रदेश और प्रदेश वाली सेवा कर लें, ये बात करते हैं, आपके बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। माननीय आपका बहुत बहुत आभार, प्रदेशवासी की आकांक्षाओं के केंद्र हमारे माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार।
राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी अभियान का आगाज आज पूरे प्रदेश भर में हो चुका। देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर प्रशासन गांव के संग अभियान का शुभारंभ हुआ। इस दौरान